मैं तो यही चाहता हूँ कि जहाँ है ठीक है, बिक रहा है जो अपने उसका अपना शॉप है वाइन का, वहीं बिके वो बेटर है। आइडिया अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है। लेकिन ऐसा जो अभी धंधा करता है, छोटे बड़े लोग धंधा करते ही है, लेकिन छोटे किसानों के लिए ये धंधा अच्छा है। आइडिया वैसे तो अच्छा ही है। सुपरमार्केट में वाइन बेचना बुरी आइडिया है, मुझे पसंद नहीं है आइडिया। क्योंकि सुपरमार्केट में सब फैमिलीज जाते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, तो सबके लिए वो बेटर नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। यस मैन, आई थिंक इफ पीपल वॉन्ट इट दे कैन बाई इट फ्रॉम एनी वेयर, एंड इफ वी सी अ गुड मार्केट फॉर वाइन और लाइक पीपल कैन वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस और देर विल बी कॉम्पिटिशन एंड पीपल विल ऑल्सो ट्राई टू गेट अ गुड क्वालिटी एंड देर इज ऑल्सो अ ग्लोबल मार्केट फॉर वाइन। सो आई थिंक इट्स गुड थिंग। आइडिया अच्छा भी है कि बुरा भी है, लेकिन ऐसा जो अभी धंधा करता है, छोटे बड़े लोग धंधा करते ही है, लेकिन छोटे किसानों के लिए ये धंधा अच्छा है। नहीं, मेरी समझ में तो ये आइडिया अच्छा नहीं है। हाँ जरूर जरूर हो जाएगा, बेनिफिट तो होने वाला ही है। जो बड़े जमींदार करते हैं वो छोटे किसान दर किए तो अच्छा रहेगा उसके लिए। नहीं डायरेक्टली तो हो सकता नहीं है ना वो वाइन, बीच में तो सब डीलर्स रहेंगे। ये श्योर, बिकॉज लाइक व्हेन देर इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन समटाइम्स वी हैव एक्सेस प्रोडक्शन एंड ऑल एंड फार्मर्स आर नॉट गुड गेटिंग गुड रेट फॉर व्हाट दे आर एक्चुअली हैविंग all this and all as I understand that all farmers waste is also going to be used over there and the taxation on wine is more, so the government will have a benefit and we can have a good economy also. Nahi kisan ko benefit nahi hoga isse, agar benefit pahunchega to bahut mushkil se 10% 5% kisan ko benefit milega aur 90 to 95% upar hi samapt ho jayega। असर वैसे असर उसमें वैसा कुछ यहाँ भी लेना है वहाँ भी लेना ही है। आम जनता के लिए भी कोई भी ऐसा खुला करेगा तो फर्क पड़ने वाला है, लेकिन जो आदमी अभी बाहर दुकान के लाइसेंस लगता है बड़े आदमी के लिए, उसके लाइसेंस के ऊपर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे इससे, जो बीपी है, लीवर के डिसीजेज है, बच्चों से लेकर अभी जल्दी जल्दी वो सब अफेक्ट हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़। कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो वाइन की इतनी ज़रूरत नहीं मुझे पड़ रही। फॉर कॉमन पीपल आई थिंक दोज हु वांट टू बाय दे विल डेफिनेटली बाय, दोज डू वांट देर इज नो फोर्स एंड इफ देर सेलिंग इन सुपर मार्केट डेफिनेटली आई नो एवरीवन गोइंग टू बाय एंड गो होम फॉर ड्रिंकिंग इट। आम जनता को जैसा कि आपने कहा कि सुपर मार्केट में सेल करने की, तो सुपरमार्केट में जैसे ही रखेंगे तो आम जनता में ये चीज़ बढ़ेगी, इसका जो यूज़र है उसका परसेंटेज बढ़ेगा, और मेरी समझ में इसका परसेंटेज बढ़ना बेटर नहीं है। रखेंगे और कोई शासन ने कोई उसके बारे में थोड़ा सा देखभाल करेंगे या उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं इसके बारे में ध्यान रखेंगे तो वो अच्छी बात हो जाएगी। सुपर मार्केट में किया तो चलेगा, लेकिन लाइसेंस मांगता ही है, तो ऐसा कोई बच्चा जाएगा उसको मिलेगा तो बराबर नहीं है, मतलब 18 साल के ऊपर नहीं करना चाहिए उन्होंने। डायरेक्टली फार्मर्स को इसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं है, उसमें सुपर मार्केट में आने तक बीच में बहुत सारे रहते हैं डीलर्स, कोई फ़ायदा होने वाला। इट्स गुड आइडिया। ना मैं तो इसका पक्षधर नहीं बन सकता हूँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि जहाँ है ठीक है, बिक रहा है जो अपने उसका अपना शॉप है वाइन का, वहीं बिके वो बेटर है। सुपरमार्केट में बिकना अच्छा नहीं है, इसलिए कि वहाँ तो हमारे न्यू जनरेशन भी जाएंगे ना, उन सब के ऊपर उसका असर आएगा।
Hi, thanks for watching Logically India. If you enjoyed this episode, don't forget to leave a thumbs up and subscribe to our channel. We make weekly episodes on what India thinks. If there's any topic you want us to explore, let us know in the comment section below. Don't forget to download the Logically app for more interesting fact checks. This is Team Logically, signing out.